गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक के सीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में बताया था, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने एंट्रोपी और एन्थैल्पी डिस्कस किया था। तो मैंने उस टाइम आप लोगों को एंट्रोपी क्यों बताया था ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उस दिन मैंने आप लोगों को एंट्रोपी इसलिए बताया था कि अगला वीडियो मेरा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे होने वाला था। तो हम लोगों ने एंट्रोपी में क्या देखा था, तो हम लोगों ने एंट्रोपी में देखा था, मैं यहाँ पे एक बनाना चाहूँगा सिस्टम। ओके, ये एक सिस्टम है। सिस्टम में ये मैटर्स या मॉलिक्यूल्स हम लोग बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर के मैटर बनते हैं, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस होते हैं, तो वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है वही जो है हमारी एंट्रोपी कहलाती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मैटर में किस तरह से अरेंज होते हैं, मैटर कितने तरह का होता है। तो जैसे कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड में एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके बीच में ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होता है, और रैंडमनेस जो है गैस में हम ज़्यादा देख पाते हैं। और हमने कहा था ये रैंडमनेस कैसे आती है इसमें, तो ये कहा था हमने कि हीट एनर्जी देने से ये रैंडमनेस इसमें आती है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है किसी भी सिस्टम को हम लोग अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले आते हैं तो उसकी एंट्रोपी जो है कॉन्स्टेंट हो जाती है। ओके, सी इट स्टेट दैट एज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो इट्स एंट्रोपी बिकम कॉन्स्टेंट और द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। मतलब एंट्रोपी जो है वो स्थिर हो जाएगी, उसमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर वो सिस्टम को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ले आते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो हमारे नर्न्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1906 से 1912 के बीच में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दिया था, उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है जीरो केल्विन माना, जिसको हम लोग अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो -459.67 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इस टेम्परेचर पे हम लोग सिस्टम को रखेंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रैंडमनेस ना के बराबर दिखेगा, दैट्स मीन्स उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होगी, कॉन्स्टेंट होगी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।